हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स। पहले बॉलीवुड की ऑफिशियल किडनैपिंग कार की बात की जाए तो एक ही नाम याद आता है, मारुति वैन का। आज मैं इस वीडियो में आपसे मारुति ओमनी के सेलिब्रेशन एडिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वीडियो में जो ओमनी दिख रही है ये है मारुति ओमनी का उत्सव एडिशन। मारुति ने ओमनी उत्सव को ईयर 2011 के आसपास लॉन्च किया था। रियर में फ्लोरल पिंक थीम ग्राफिक्स के साथ उत्सव की बैजिंग आती थी। साइड में फ्रंट डोर पर ग्राफिक्स के साथ रियर में फ्लोरल पैटर्न के डिकैल्स के साथ उत्सव का टेक्स्ट आता था जो कि स्लाइडिंग डोर से सी पिलर तक जाता था। इस ओमनी के सारे स्पेसिफिकेशन ओमनी ई की तरह ही थे। इसी ईयर मारुति ने ऑल्टो का फ्लैश एडिशन लॉन्च किया था। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार ऑल्टो के साथ मारुति ने रिट्ज का डीजल एडिशन, ए स्टार का रेवोल्यूशन, जेन एस्टिलो का एलाइट एडिशन और SX4 का सिग्नेचर एडिशन भी इसी साल लॉन्च किया था। आपको बता दें, मारुति ने ओमनी को ईयर 1984 में इंडिया में लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में मारुति इस कार को वैन नाम से ही सेल करती थी। ये मारुति 800 के एक साल बाद लॉन्च हुई थी। ईयर 1988 में इसका पहला फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। इसी साल मारुति ने इस मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को नाम दिया ओमनी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मारुति सुजुकी, काउंट ऑन अस।